सक्सेस अपनी उम्र में, एक बहुत छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त की है। चिंटू, एक मिनट चिंटू, हाँ एक मिनट सर, हम बात करना चाहेंगे छोरा गंगा किनारे वाला जो आप फिल्म कर रहे हैं, किस तरह की फिल्म है? छोरा गंगा किनारे वाला मतलब इस फिल्म में छोरा हैं प्रदीप आर पांडे, हमारे हमारे लिए चिंटू हैं, उन्हें प्यार से हम लोग सब चिंटू बोलते हैं। और प्रदीप आर पांडे हमारे सुपर डायरेक्टर राजकुमार पांडे जी के सपुत्र हैं। और पांडे परिवार जो है ये बहुत सक्सेसफुल है पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में और पूरे भोजपुरिया समाज में, कई बार प्रूफ कर चुका है, कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। और मेरे साथ भी एक फिल्म राजी और हमने की थी, कंगना खान के पिया की अंगना, तो उस फिल्म को कई साल हो गए और राज जी के साथ कोई फिल्म नहीं हुई थी और अंदर से कामना थी कि कभी हम फिर से जुड़ें। तो अचानक मुझे राजकुमार पांडे जी का फ़ोन आया कि विनय एक गाना है फिल्म में जो कि एक स्पेशल गाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम करो, मुझे अच्छा लगेगा। बस उनका कहना था और मेरा यहाँ शूटिंग में आना था और बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम थैंकफुल टू राजकुमार पांडे जी जिन्होंने मुझे एक अच्छी सफल फिल्म में एक प्यारा सा गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए कहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अपने परिवार में शामिल हो चुका हूं और छोरा गंगा किनारे वाला जो प्रोड्यूसर हैं हमारे छोरा गंगा किनारे वाला के प्रोड्यूसर हैं चौबे जी, और चौबे जी भी एक सफल निर्माता हैं। और ये फिल्म मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ये फिल्म सुपरहिट है क्योंकि इसे राज जी ने डायरेक्ट किया है। और इस गाने में मेरे साथ रिंकू घोष हैं और रिंकू घोष कुछ कुछ फिल्म में एक्ट भी कर रही हैं मुझे पता चला। तो आज हमारा पहला दिन है और आज बहुत शुभ दिन है, मेरी तरफ से शुभ शुभ कामना है छोरा गंगा किनारे वाला को। और हम यह कहब कि हमारा पूरा भोजपुरिया समाज इस सिनेमा के देखी और हम हुए इस सिनेमा में काम करतानी, और रवा लोग के आशीर्वाद चाहिए और बेने आनंद पे आपन स्नेह आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना के रखी। सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा या रोमांस, पब्लिक को बेसिकली क्या देखने को मिलेगा? राजकुमार पांडे के सिनेमा, जब जब सिनेमा बनेला तो सबसे पहले लोग ये पूछेलन कि भाई स्टोरी का, लेकिन जब राजकुमार पांडे का नाम आ जाला तो साबित हो जाला कि भाई सिनेमा तो डेफिनेटली सुपरहिट होगी। और सिनेमा में भरपूर मसाला बा, सस्पेंस भी मिली, रोमांस भी मिली, डांस भी मिली, कई इमोशनल गाना भी मिली। तो आज यहाँ पर एक प्यारा सा गाना है जिसमें मैं मेरा एपीरियंस है और उसमें हमारे चिंटू यानी आप सभी के सुपरस्टार प्रदीप पांडे जो हैं वो भी होंगे। और बस मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म सुपरहिट हो और मेरा पूरा भोजपुरिया समाज ये सिनेमा को देखेगा और इसमें विनय आनंद को भी देखेगा। सस्पेंस रोमांस के अलावा जी कोई मसाला जैसे कि फिर से मैं कहूँगा कि राजकुमार पांडे का जो सिनेमा बनता है वो अपने आप में मसालेदारी होता है, उनका एक अपनी अलग छवि है। जैसे डेविड धवन की छवि हिंदी सिनेमा में रही है, मनमोहन देसाई की छवि रही है, तो राजकुमार पांडे जो हैं उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है एज अ सक्सेसफुल डायरेक्टर्स। इनके सिनेमा के गाने जो हैं वो हमेशा चलते हैं, ये अपने गानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं और सिनेमा को ग्रिप में बना कर रखते हैं। तो राजकुमार पांडे को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो आज भी इसी मग्नता के साथ काम करते हैं, इतना इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल हैं। और एक सक्सेसफुल डायरेक्टर के साथ सब काम करना चाहते हैं क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट सिनेमा के प्रति जो स्नेह है और जो पकड़ है दर्शकों की वो बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे भोजपुरी सिनेमा को राजकुमार पांडे जैसे ही डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। राजकुमार पांडे जी की फिल्म में एक्शन और कॉमेडी देखने को मिलेगी? राज जी एक कमर्शियल डायरेक्टर हैं, चिंटू प्रदीप पांडे जो हैं एक बहुत अच्छा डांसर है, आप सभी लोग जानते हैं, एक्शन भी बहुत, एक्शन जो है इनके मैं कहूँगा कि इनकी इनकी फैमिली में है। जो मनोज पांडे हैं जो वो भी हमारे
बहुत युवा सुपरस्टार हैं और एक्शन में उनका जवाब नहीं, जिमनास्ट करते हैं, कराटे करते हैं। ऐसे ही प्रदीप भी जो है बहुत अच्छा एक्शन करता है। तो एक एक सक्सेसफुल परिवार है पांडे परिवार। मैं इसलिए कहता हूँ कि अब ये एक परिवार और एक एक शक्ति नज़र आती है मुझे भोजपुरी सिनेमा में, जहाँ एक डायरेक्टर एक सक्सेसफुल डायरेक्टर है और उसी परिवार के दो सक्सेसफुल नौजवान सुपरस्टार्स हैं, मनोज पांडे और प्रदीप पांडे। तो अच्छा लगता है कि एक ऐसा लगता है एक जैसे खानदान एक चला आ रहा है। जैसे मेरा खानदान में मैं हो गया, गोविंदा जी हो गए, कृष्णा अभिषेक हो गए, मेरी बहनें हो गई या जो भी, तो ऐसा लगता है एक परिवार आ रहा है। एक धर्मेंद्र की देओल फैमिली होती है, तो एक पांडे फैमिली है हमारे भोजपुरी सिनेमा में, जहाँ तीनों सक्सेसफुल हैं और बहुत उम्मीद है सबको पांडे परिवार से। राजकुमार पांडे जी की फिल्मों की कोई खास पहचान या डिफरेंट डिफरेंट विषय पे बनाते रहते हैं? भगवान की कृपा से राजकुमार पांडे जी ने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दे दी हैं भोजपुरी जगत में कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को और जनता को, बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसका नाम लोग जानते हों, और राजकुमार पांडे का नाम लोग जानते हैं। आप किसी भी दर्शक से पूछो कि आप किस डायरेक्टर को जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो वो राजकुमार पांडे का नाम लेता है। तो किसी का नाम, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया जो है वो नाम के लिए मरती है, नाम कमाने के लिए, और एक डायरेक्टर ने अपना नाम इतना कमा लिया कि भोजपुरी या दर्शक उस डायरेक्टर का नाम जानता है, इससे पता चलता है कि राजकुमार पांडे कितने सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं। और मैं यही कामना करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में हम लोग, मैं एक गाना नहीं बल्कि उनके साथ कई फिल्में करूँ। जिस तरह बॉलीवुड फिल्मों की तरह जो अवार्ड देने की परंपरा भोजपुरी में भी शुरू हो चुकी है, जी तो क्या राजकुमार पांडे साहब इस तरह की फिल्में बनाने में यकीन रखते हैं या बनाना चाहते हैं? राज जी, मुझे लगता है, मुझे याद नहीं लेकिन मुझे विश्वास है कि डेफिनेटली उनको अवार्ड तो मिला ही होगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री को भी बहुत ग्रो करने की आवश्यकता है। भोजपुरी इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ग्रो हो चुकी है, लेकिन मैं इसे एक अलग मुकाम पर देखना चाहता हूँ, जहाँ पे वाकई में जैसे मार्केट में भाजियाँ बेची जाती है, भगवान करे ऐसे यहाँ पे अवार्ड फंक्शंस हो, इतने ज़्यादा अवार्ड फंक्शंस हो जैसे हिंदी सिनेमा में होते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अब ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, ना कि पॉलिटिक्स की, काम पे विश्वास रखने वालों की ज़रूरत है। और भगवान करे कि हमारा भोजपुरिया दर्शक जो है वो भोजपुरी सिनेमा देखे और उनके देखने योग्य सिनेमा बने, मैं यही कामना करता हूँ। छोरा छोरा गंगा किनारे से पहले की अपनी कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे? मैंने तो भोजपुरी इंडस्ट्री में, मैं एक ऐसा मजदूर हूँ जो कई साल से काम कर रहा है और काम मुझे मिलता है। मैंने कई सिनेमा किए, मुझे मैंने कुछ 60 सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री में किया, और इसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ मेरी भोजपुरी भोजपुरिया जनता का, निर्माताओं का, निर्देशकों का और सारे टेक्नीशियंस का, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया, मुझे काम दिया और इस योग्य समझा कि मैं उनके सिनेमा में काम कर सकूं। मैं हमेशा थैंकफुल हूं और थैंकफुल रहूंगा और इसी तरह से अपना योगदान और काम करता रहूंगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके राजकुमार पांडे जी की इस फिल्म से पब्लिक को भरपूर मनोरंजन मिलेगा। 100% चौबे जी जो प्रोड्यूसर हैं वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा सिनेमा बना रहे हैं। प्रोडक्शन वैल्यू सिनेमा का बहुत अच्छा है, कैमरामैन बहुत अच्छे हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। हमारा हीरो जो है वो बहुत ईमानदार हीरो है, बहुत अच्छा काम करते हैं। डायरेक्टर की जितनी तारीफ करूं कम है। और हमारे पीआरओ भी हैं संजय भूषण जी इसमें, तो उनका नाम मैंने रखा हुआ है कि ये एक संजय भूषण पटियाला जो है वो सबसे फास्टेस्ट, जो सबसे फास्टेस्ट पीआरओ होता है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। जो अभी जो मैं न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, मैं घर जाके देखूंगा तो ये न्यूज़ मुझे इंटरनेट पे मिलेगी। तो इतना फास्टेस्ट पीआरओ हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है और हमारी इंडस्ट्री को अच्छे पीआरओ की ज़रूरत है। तो मैं हमेशा यही एग्जाम्पल देता हूँ कि बहुत कम पीआरओज हैं, उसमें से एक पीआरओ हैं संजय भूषण पटियाला, और अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और इस सिनेमा का अच्छा हो। लास्ट क्वेश्चन, अभी आपकी फिल्म रिलीज होने वाली सिर्फ चर्चा है, उसका हम क्या कहेंगे? मेरी मेरी फिल्म रिलीज हो रही है 16 मई को, शिव चर्चा, जो कि एक आध्यात्मिक फिल्म है।
मैंने कई एंटरटेनमेंट सिनेमा किए, लेकिन मेरे मेरा एक मन था कि मैं भगवान शिव के ऊपर, क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ, तो मेरे पास जब ये फिल्म आई कि भगवान शिव की फिल्म है, तो मैं डर गया। मैं बोला इसको तो मैं ना कर ही नहीं सकता, ना ही मैं इसकी स्टोरी सुनूंगा, मैं इसको करूँगा, क्योंकि भगवान शिव अपने आप में ये सृष्टि कहते हैं कि उन्होंने बनाई है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे शिव चर्चा जैसी आध्यात्मिक फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये एक ऐसा सिनेमा है जो हम रहें या ना रहें, जीवन भर आध्यात्मिक सिनेमा जो होता है वो महाशिवरात्रि के दिन या कोई बहुत पावन दिन पर ये ऐसे सिनेमा दिखाए जाते हैं। कई एक्टर्स जो हैं वो हमेशा भूत की पिक्चरें कर लेते हैं, भूतानी पिक्चर कर लेंगे, लेकिन भगवान का सिनेमा करने में पता नहीं उनको क्या हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं भगवान का सिनेमा ज़रूर करूँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। और इसको इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि शिव चर्चा उत्तर प्रदेश और बिहार में घर घर में चलती है। और मैं अर्चित आनंद जी जो प्रोड्यूसर हैं उनका आभारी हूँ कि वो इस सिनेमा को बना रहे हैं। इसके डायरेक्टर अशोक घायल, उनका आभारी हूँ। और प्रार्थना करूँगा आप लोगों से कि आप लोग ये सिनेमा देखिए। इसके डिस्ट्रीब्यूटर संजय पंजियार हैं, जो एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, साई बंदना फिल्म्स उनका बैनर है। और ये कहब के भाई लोग आई और सिनेमा के देखें और भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।